यहां तक सबने लिख लिया। जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव राइट्स। इन थ्रोइंग अ डाइस इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर, इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर, इवेंट बी गेटिंग एन इवन नंबर। अब देखो ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 3 5, इवन नंबर की बात कर रहे तो 2 4 6। अब क्या ए और बी के बीच में कोई चीज कॉमन है क्या? इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? सो देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। A and B are mutually exclusive events. कोई दिक्कत किसी को? बोलिए ऑनलाइन इसमें कोई दिक्कत? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में काम आएगा भाई, हर एक टॉपिक में काम आएगा। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट है जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है। अब आ जाइए इसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स नेक्स्ट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स तुम्हारा पेपर हीतल तेरे कब के हैं? कब से सर? सेकंड फेब से। मैथ्स का कब है? एक मिनट सर। तूने उस समय वेक्टर पढ़ा था क्या? वेक्टर सर आधा हो रहा है मेरा उस टाइम का। तो चलिए वेक्टर ही रह जाएगा, वेक्टर 3D, बाकी तो हो जाएगा। तो वेक्टर 3D थोड़ी आ रहा है तेरे, क्या रहा है? सर इन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं भेजा, बस टाइम टेबल भेजा है। मैथ्स का 9th को है। ठीक है, 9 तक तो बहुत कुछ करवा देंगे। 9 तक तो अभी आज क्या है, 21 है ना, 15 दिन है, 15 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। भाई मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एरिया बाउंडेड है आपका 5 दिन का, डिफरेंशियल मैक्सिमम 9 दिन का। सब फर्जी है, उसके उसके पेपर ही फर्जी हुए हैं। तो ना तो बात की बात है, पेपर फर्जी हुए थे ना तेरा? नहीं हुए? दिखाए नहीं तो मैं स्कूल वालों ने, है झूठ बोलता है। तुम्हारा शिव ज्योति के तो बहुत हवा में उछली ये बात है यार। शिव ज्योति तो बहुत उछला जब पेपर हुआ था फर्स्ट टाइम, कि खूब चीटिंग हुई है मजे से। चलो चलो छोड़, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएगा जब भाई अपना टारगेट यही है 15 फरवरी तक सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। एक बात, लेकिन आपको मेरे साथ एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। जिनको लग रहा है जैसे यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ 4-5 जने नहीं आए, तो वो ये सोच के चल रहे हैं कि जब सर एक इसी बैच में पढ़ाएंगे तो इंतजार करो भाई, मैं तो यही कर सकता हूँ, इंतजार करो। ऐसा तो इन्हीं इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब जो मेन बैच है उस, तब तक इंतजार करो।
यदि नहीं पढ़ना चाह रहा कोई भाई, कोई ज्यादा समझदार है तो करो इंतजार, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा चक्कर में तो मैंने, इस चक्कर में तो मैंने मंडे को जा रहा था, मैं फ्लाइट थी तो कैंसिल कर दी। क्या कर, पूरे 15,000 का फटका लग गया, लगाया ना फ्लाइट में मिलता ही नहीं कुछ। एग्जॉस्टिव इवेंट लिखो, मैंने कहा अभी बहुत क्लासें ऑफ हो गई फिर ओवर हो गई, क्या मतलब। टू और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव, आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव, if their union is a sample space, if their union is a sample space, तो दो या दो से ज्यादा इवेंट आपका एग्जॉस्टिव कब कहलाएगा, जब उनका यूनियन क्या होगा, एक सैंपल स्पेस आ जाएगा। ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। पी ए यूनियन बी इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन होती है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन आ जाए। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो, जो अभी इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, इन प्रीवियस एग्जाम्पल इवेंट ए था आपका 1, 3, 5, इवेंट बी था 2, 4, 6, तो बेटा पी ए यूनियन बी कितना हो गया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्योंकि ए यूनियन बी आपका सैंपल स्पेस। इस तरह से लिख लीजिए, तो ये कहलाता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। अब बेटा एक टेबल, और वो टेबल ऐसी है कि उसके बिना काम चलेगा, बस वो लास्ट है और फिर उसके बाद कल से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज थी जो मैंने आज बताई आपको। भाई संडे को आपको दोनों क्लासे होंगी, क्योंकि ऑफलाइन तो पॉसिबल है ही नहीं उस दिन, कर्फ्यू रहेगा, तो क्लासे दोनों ही। एक टेबल बना लीजिए, ये टेबल आपकी पूरे, अरे टाइम बाद में देखिए, अभी से संडे का टाइम, अभी से बताने का क्या मतलब। बनाओ भाई टेबल, वर्बल नोटेशन, वर्बल नोटेशन, सेट थ्योरेटिक नोटेशन, एंड थर्ड फॉर्मूलास। नोट ए, ए बार या ए डेस, पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, ए एंड बी, एंड को किससे डिनोट करते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन। कोई फॉर्मूला, अभी फॉर्मूले बाद में आएंगे इसके, अभी तक सिर्फ मैंने इतना पढ़ा है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। If A and B are mutually exclusive events, then P A intersection B equal to 0. A or B, A union B. ये 11th क्लास का है, बस एक फॉर्मूला, ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ,
ए एंड बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए तो है लेकिन बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी बार, जिसको हमें ए माइनस बी भी बोलते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन, दिस इज ए बट नॉट बी, फिर आएगा हमारा बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, बी इंटरसेक्शन ए डेस या ए बार, एक ही बात है, डेस लगाओ या बार लगाओ एक ही बात है, बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए बार इक्वल टू पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, पी ए बार नाइदर ए नॉर बी, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, डी मॉर्गन्स लॉ, तो पी ए यूनियन बी का वन माइनस पी ए यूनियन, नाइदर ए नॉर बी, क्या ए डेस, अच्छा दोनों एक ही लिख दिया क्या, लास्ट नॉट ए और नॉट बी, बेटा ये पूरा एज इट इज काम में आएगा, जितने फॉर्मूला भी लिखे ये सारे एज इट इज काम में आएगा, इसके बिना प्रोबेबिलिटी होगी नहीं आपकी 12th, तो ये एक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी इस प्रोबेबिलिटी के लिए, ये प्रॉब्लम ये टेबल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, अभी तक मैंने 12th क्लास का कुछ भी नहीं करवाया है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक चीज की है जिसके बिना आपका आगे की चीजें पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उतना काम किया अभी तक, चलिए भैया आज के लिए इतना, कल वापस से चालू करेंगे सर। हाँ बोल सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस का हुआ क्या? बता दिया यार, जब तूने एक बार बोल दिया सब याद रहता मुझे। थैंक यू सर।